देश भर में तेजी से फैल रहे संक्रमण की रोकथाम के लिए जहां राज्य एवं केंद्र सरकारों ने बार बार स्वयं को सैनिटाइज करने की बात कही है और कहा है कि अपने हाथ और मुंह को लगातार साबुन से धोएं, जिससे यह संक्रमण आप तक नहीं पहुंचेगा। ऐसे में उदयपुर की शगुन इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट कंपनी की ओर से शहर को सैनिटाइज करने के लिए भी एक गाड़ी चलाई जा रही है। यह गाड़ी दिन भर पूरे शहर में घूमती है और अलग अलग स्थानों पर जाकर सड़कों पर आने व जाने वाले वाहनों के साथ जहां संक्रमण फैलने का सबसे ज्यादा खतरा है, उन स्थानों को भी सैनिटाइज कर रही है। बुधवार को भी इस गाड़ी द्वारा महाकालेश्वर रोड पुलिस लाइन और तबलीगी जमात से आए युवकों को जहां पुलिस निगरानी में रखा है, उस ओटीसी परिसर को भी सैनिटाइज किया गया। साथ ही उदयपुर न्यूज की गाड़ी को भी इसी क्रम में सैनिटाइज किया गया। शगुन इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इनके डायरेक्टर का नाम राकेश जी कुमावत, वो जिन्होंने कोरोना वायरस की महामारी के चलते हुए अपने उदयपुर जिले के अंदर सैनिटाइजर का छिड़काव करने के लिए अपनी गाड़ी जनसेवा में लगाई हुई है। आज कहाँ का किया आपने छिड़काव? आज हमने किया जहाँ पे बाहर से जितने मरीज आ रहे हैं उनकी चेकिंग हो रही है ओटीसी में, वहाँ पे किया, प्लस पुलिस लाइन में किया, अब ये महाकालेश्वर चौराहे पे कर रहे हैं।